का 10 साल तक कुछ नहीं कर पाए। और एक और चौटाला जी है जो कहते हैं मैं जेल से मुख्यमंत्री की शपथ जेल से। आप लोग सहमत है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री जेल से शपथ ले? सहमत है आप मित्रों? ये हरियाणा में हुड्डा चौटाला ये खेल बहुत हो गया। हरियाणा को बर्बाद कर रख दिया। जात पात के आधार पर हरियाणा का वोट मांगकर अपने बेटे बेटियों का घर बनने के अलावे इन नेताओं ने कुछ नहीं किया। और अब समय आ गया हरियाणा को विकास की यात्रा तेज करनी है तो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिताना पड़ेगा। हरियाणा के अंदर जमीन के घोटाले अगर बंद करने हैं तो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिताना पड़ेगा। हरियाणा के अंदर बहु बेटियों की ऊपर जो अत्याचार होता है वो बंद कराना है तो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिताना पड़ेगा। हरियाणा के दलितों पर देश में सबसे ज्यादा अत्याचार होता है, अगर ये बंद करना है तो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिताना पड़ेगा। मित्रों, ये लूटने का और गुंडागर्दी का शासन अब हरियाणा से निकालना समय आ गया है कि देश के अंदर जो विकास की यात्रा मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है वो विकास यात्रा में हरियाणा भी जुड़ जाए। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेता पूछ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने ये 3 महीनों में क्या किया। भाई हम तो 4 महीने से ही शासन में आए हैं, आपने तो 60 साल तक शासन किया, आपने क्या किया इसका हिसाब दीजिए। 4 महीने में 60 साल का जो आपका बिगाड़ हुआ शासन है वो कभी ठीक नहीं हो सकता। मगर मैं फिर भी 4 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा वो आपको कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो हमने इस देश को बोलने वाला प्रधानमंत्री दिया है। 10 साल के बाद 10 साल के बाद ये देश प्रधानमंत्री की आवाज सुन रहा है। 10 साल से देश प्रधानमंत्री की आवाज सुनने को तरस गया है। हमने एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया है जिसको लाल किले से भाषण करते वक्त आगे बुलेट प्रूफ शीशा नहीं पड़ता, आंख से आंख मिलाकर लोगों से बात करने की हिम्मत हो।